this election is about first-time voters, and while in the metros, young voters are making their voices heard in smaller towns like Akola, young voters are carefully watching what their candidates are saying. Children of farmers, these kids are aware of issues, but they won't fall for propaganda. They know how to call out fake messages, and in a city where boxing is the most popular sport, political duel is highly polarized, and young voters are sending a strong message to their candidates. Here's a report. I am here at the Sri RLT College of Science in Akola, which is seeing an interesting contest between three parties. इस बार जब आप वोट करने जाते हो आप क्या देखते हो क्या आपके मन में है सर पहली बात तो ये जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो ये जरूरी है कि भारत की सरकार चुनने में सत्ता चुनने में लोगों का बड़े से बड़ा योगदान होना चाहिए तो जो कि ट्रेंड हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है जो 60 से 65 है तो ये अबव 90 तक होना चाहिए और मेरा तो ये मानना है कि अगर हम वोट नहीं करते तो हमारा जो सवाल पूछने का हक है वो हम खो दे रहे हैं और बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर हमारे जो सवाल है वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है जॉब्स इम्पोर्टेंट जॉब्स इम्पोर्टेंट है हायर एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो है और जिस रीजन से हम आते हैं यहाँ पे किसानों की काफ़ी ज़्यादा समस्या है वुमन एम्पावरमेंट की कोई बातें हैं तो हम उन्हीं उसी पार्टी या उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे जो हमारी इन सब चीज़ों के बारे में जिनके पास एक्शन प्लान है और जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस में हमारी हाँ। बात रखेंगे आपको क्या लगता है जो आपके सामने जो अभी उम्मीदवार है या उनके जो सरकार है उनकी जो पार्टियाँ हैं वो जैसे आपके लिए इशू कौन सी है और क्या वो उस बारे में बात कर रहे हैं सर मेरे को जो 10-15 सालों में जब से मैं बड़ी हुई मेरे ध्यान में एक है कि जो अपना आदमी है मैं उसको वोट दूंगा ये वाली सोच मेरे को हटा देनी है जो अपने लिए एक्शन लेगा जो प्लान करेगा जो कुछ अपने करियर के बारे में फ्यूचर के बारे में हमारे बारे में सोचेगा यूथ के बारे में सोचेगा अपने जवानों के बारे में सोचेगा अपने पूरे भारत के बारे में सोचेगा उसको ही हम वोट करेंगे क्या ऐसी सोच है नहीं ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी पार्टी को वोट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम आगे जाके वो पार्टी हमारे लिए क्या करेगी क्या आप लोग नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो जब आप वोट डालने जाते हो या अपने कैंडिडेट को देखते हो क्या नेशनल सिक्योरिटी आपके मन में रहता है सर नेशनल सिक्योरिटी एक काफ़ी अहम मुद्दा है लेकिन मुझे नहीं लगता इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना चाहिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो कोई सत्ता है वो डायरेक्टली अपने डिफेंस सिस्टम से अटैच रहेंगी लेकिन हम वोट उस आधार पे नहीं करते हैं नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा है और रही बात न्याय और ये स्कीम की तो ये स्कीम अच्छी है सर लेकिन इससे पहले भी 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन ज़मीन लेवल पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है इससे पहले भी हम 15 लाख वाला जुमला झेल चुके हैं 56 इंच की छाती दिखाते हैं उस टाइम पर क्यों नहीं लाया इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया आप दिखाते कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है इंटरनेशनल प्रेशर कहाँ पर बढ़ा है आप कहते कि डिमोनेटाइजेशन बढ़ गया है और डिमोनेटाइजेशन की वजह से अपना देश में आतंकी हल्ले कम हो गए कहाँ पर कम हो गए आप दिखाइए मेरे को कहाँ पर कम हो गए सर दूसरे कंट्रीज का सपोर्ट अपने को मिल रहा है जहाँ पे अपना लीडर स्ट्रांग होगा तो दूसरी कंट्री भी अपने को सपोर्ट करेगी जैसे इजराइल हो गया अमेरिका हो गया जापान सब इंडिया के साथ खड़े हैं ऐसे दहशतवादी मुद्दों पे वो तो 1490 से ठीक है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है ज़रूर ये पता चलता है कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी आपके मन में तो है क्या उसके विषय के ऊपर आप वोट करते हो कि नहीं वो डिबेटेबल है अच्छा एक और सवाल है जो है व्हाट्सएप कितने लोग हैं यहाँ पे जितने लोग सोशल मीडिया पे विश्वास करते हो नहीं मैं हम तो बिल्कुल नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हो नहीं वो सारे ज़्यादातर तो फेक ही रहते हैं उस पर विश्वास करना मतलब गलती करना हम तो फॉरवर्ड भी नहीं करते वो से मैसेजेस को क्या आप विश्वास करते हो व्हाट्सएप पे नो सर क्यों सर वो फेक ही रहते ना अपन ने देखना चाहिए वो असल में हो रहा है या नहीं हो रहा है पर है। पता है सर होता ही नहीं है वैसा वो सब फेक रहते हैं एक मुद्दा जो इस चुनाव में जरूर है वो है माइनॉरिटीज क्या आपको लगता है इस इशू में क्या है क्या दोनों पार्टी इस इशू पे सही बात कर रहे हैं क्या हो रहा है जी मुझे इन दोनों ही जो नेशनलाइज प्रमुख पार्टी है उनकी भूमिका इन सब चीज़ों में स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि ज़्यादातर जो मॉब लिंचिंग की घटना है उसके जो विक्टिम्स हैं वो माइनॉरिटीज़ से है बीफ वगैरह जो कोई मुद्दे इन सब चीज़ों से है और ना ही माइनॉरिटीज़ को काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा है तो ये इशू बना हुआ है और इसको रिजॉल्व करने में मैनिफेस्टो में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कोई अच्छी ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती द यंग वोटर्स द फर्स्ट टाइम वोटर्स आर गोइंग टू बी key constituency for any party that hopes to win the election and it's very clear what they are thinking. In Akola, with camera person Sanjay Mandal, Saurabh Gupta,
एनडीटीवी।